हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि चल रहे हैं तो मेरी तरफ़ से आपको आपके घर वालों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेके आई हूँ नवरात्रि की सबसे स्पेशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। वो है ये कि जब हम कुछ खाना बनाते हैं नवरात्रि में, जो पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो खाने में टेस्ट कैसे लाएं। उसके लिए ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्या मिलाएं क्या ना मिलाएं। हालांकि जो खाना होता है उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो है गरम मसाला, और मार्केट का गरम मसाला हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कई बार कुछ चीज़ें ऐसी मिली हुई होती हैं जो व्रत में नहीं खाने लायक होती है, या फिर जैसे नमक मिला हुआ होता है। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, और मेरा जो ये वीडियो है वो है उसी पे गरम मसाला, जो आप फलाहार में अपने खाने में सब्जी में टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है इसको बनाना, 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। और इसको आप इस तरीके से स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, और सिर्फ व्रत में ही नहीं, आप इसको नॉर्मल दिनों में खाना बनाएंगे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। इस मसाले को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ग्राम में नहीं चम्मच में मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों के पास होता है कि वेइंग स्केल नहीं है या फिर वो मेजरिंग कप नहीं है। स्पून क्या है, सबके आराम से मिल जाता है। स्पून नहीं है तो कई बार होता है कि दवाई का जो ढक्कन होता है उस दवाई के ढक्कन में भी ml लिखा होता है, तो आप उससे भी आराम से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मेरा यहाँ 15 ml का है, तो यहाँ पर हम मेजर करके 1 टेबल स्पून लेंगे काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 साबुत सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 ये बड़ा दालचीनी का टुकड़ा। ये देखिए, ये मेरे फिंगर के साइज़ का है लंबा। अगर आपके पास साबुत नहीं होता है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है, तो थोड़े से पीसेस आप ज़्यादा दालचीनी के ले लें। 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून स्टार एनीस, 1 टीस्पून मेरा 5 ml है, तो 1 टीस्पून स्टार एनीस, 1/2 टीस्पून हम 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे इलायची, पर इलायची हमें इसमें नहीं मिलाना है क्योंकि इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे। इलायची को हम कूट के इसके बीज निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून में मेरे इलायची जो आए हैं वो है 12 पीस, तो आप 10 से 12 पीस इलायची ले लें। तो सबसे पहले हम रखते हैं कढ़ाई गरम होने के लिए। यहाँ पे कढ़ाई जो है वो गरम हो गई है और गैस की फ्लेम में, हाई पे नहीं, अब मीडियम पे कर रही हूँ। और ये जितने भी मसाले जो हमने अभी प्लेट में निकाले हैं ये सब हम डालेंगे इस कढ़ाई में। गैस की फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखें, ना बहुत ज़्यादा हाई। इसको हमें बस 2 मिनट भूनना है ताकि इसमें से खुशबू जो आने लग जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। इसको हिलाते रहें क्योंकि इसमें हमने छोटे बड़े हर टाइप के मसाले डाले हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें भूनने के चक्कर में जैसे जीरा या सौंफ है वो जल्दी जलने लग जाते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी भून सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से एक ही साथ डाल सकते हैं। बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम लंबे टाइम के लिए व्रत रखते हैं और उसमें अगर हमें गरम मसाला मिलाना होता है, तो मार्केट का गरम मसाले में नमक मिला रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि फ्लेवर लाए कैसे। तो ये आप घर में बनाएं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आप लंबे टाइम तक, और आपका जो खाना है उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मसाला जो है वो हमारा भून चुका है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ये बिल्कुल नहीं लेगा, और जीरा सौंफ इन सब की जो खुशबू है वो आने लग गई है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद और इस मसाले को निकाल देंगे हम प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। हरी इलायची को मैंने कूट के ये निकाल लिया है, इसका छिलका हटा लें, छिलके के साथ ना इसको पीसे। ये सारा मसाला मिक्सी के जार में हम डाल लेंगे और इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गरम मसाला है व्रत वाला वो तैयार है बनके। इसको मैंने छान लिया था क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से छन्नी में लेके छान लेंगे।
तो यहाँ पे कुछ मोटे ऐसे दरदरे से दाने रह गए हैं, आप चाहें तो मिक्सी का जो चटनी वाला जार होता है उसमें ही बहुत अच्छे से बारीक पीस जाता है। हालांकि मैंने इसे बड़े वाले जार में पीसा था, छोटा वाला जार मेरा फ्री नहीं है इसलिए, तो इस वजह से ये दाने रह गए, वरना ये भी बहुत अच्छे से बारीक पीस जाते हैं। और अब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, व्रत में फलाहार करते टाइम आपको कोई सब्जी में टेस्ट लाना हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत आराम से आप इसको अपनी सब्जी में ऐड कर सकते हैं निश्चिंत होके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप व्रत में नहीं खा सकते। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।